सो वंस अगेन वेलकम टू परमा फ्रॉस्ट वाईटी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी, और आज का दिन होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि देखिए पीछे घाटी में लगे हैं बादल, कोहरा सब कुछ, धूप है नहीं बिल्कुल भी, तो ठंडा ठंडा मौसम है। और आज हम लोग जा रहे हैं, वो देखो पीछे लड्डू बैठा है, और आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम एक बार दोबारा से। पिछली बार गया था मैं तो मंदिर में दर्शन नहीं कर पाया था, इस बार मैं डेफिनेटली मंदिर के अंदर जाने वाला हूँ, और जितना हो सकेगा मैं मंदिर के अंदर की वीडियोस आज आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ में आपको दिखाने वाला हूँ बद्रीनाथ धाम का एरिया कैसा है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, अभी हम उर्गम वैली से नीचे जाएंगे, यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे जो 100 रुपये लेके हमें जोशीमठ उतारेगी, और जोशीमठ से अनदर 150 रुपये की टैक्सी हमें बद्रीनाथ धाम पहुँचाएगी। तो मेरे साथ है पारस जामवाल, जो कि मेरा चंडीगढ़ का मित्र है, और वो केदारनाथ घूमने आया था। मैंने कहा जब इतनी दूर आई गया है तो तुझे बद्रीनाथ धाम के, विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करा देता हूँ। तो चले बने रहिए हमारे साथ आगे आज के इस एडवेंचर में। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सफर शुरू हो गया है, चल पड़े हैं हम बद्रीनाथ धाम की ओर। तो ये हम मिनी बुग्याल उतरते हुए और पीछे अपने घर को छोड़ते हुए, वो देखिए घर पीछे, और लड्डू भी, अब लड्डू गाँव में रहेगा गाँव वालों के भरोसे। तो मैंने देखा है आजकल लड्डू गाँव में रह रहे तो बढ़िया सेहत रह रही है उसकी, खूब रोटी भात मिल रहा है उसे, और ड्रामे भी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है लड्डू खा रहा है खूब। तो ठीक है सब बढ़िया है, सितंबर अक्टूबर का महीना है तो ट्रैकिंग के लिए घूमने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो लड्डू को हर जगह ले जाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी नीचे गर्म इलाकों में जाके इसकी तबीयत ख़राब होती है, तो ये यहीं अपना ठंडे इलाके में आनंद लेगा। तो चलो चलें। तो फाइनली मैं पहुंच गया नीचे उर्गम बाजार में सजवान जी की दुकान पे, और आते ही मेरा स्वागत हुआ है छाछ मट्ठे से, मतलब छाछ है और इसमें खीरा भी है और इसमें पिसु लूण भी है, तो इसका स्वाद तो बहुत ही मजेदार है। हाँ ये देखो भगत जगत भी यहाँ भोजन करते हुए आनंद लेते हुए, और ये देखो इधर पारस भी पहुंच गया है, कह रहे कि मैं भी पीऊंगा, तो चलो पियो फिर क्यों। ये पहुंच गए हम जोशीमठ बाजार में, नीचे को बाईपास है जो बद्रीनाथ जाता है, और ऊपर की रोड आती है नंदा घूंगा टैक्सी स्टैंड। मैं इस समय खड़ा हूं पर्यटक अतिथि गृह जोशीमठ में, जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से असाइंड है, और ये ठीक यहीं पर ही है अपर बाजार की रोड पर, और ईश्वरी नारायण पेइंग गेस्ट हाउस के सामने, जहाँ से आपको हाथी पर्वत का भी शानदार नज़ारा दिखाई देता है, बहुत सुंदर हाथी पर्वत। तो ये देखो आज हमें सुमो में पीछे मिली है सीट, तो रोज में आगे नहीं बैठ सकता ना, पीछे भी बैठना पड़ता है कई बार, है ना, गरीब आदमी हीरो नहीं बन सकता ना, गरीब आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या करें हम पीछे बैठ गए, और मैं और पारस और वो संजय फोन पे है। कुछ बोलना चाहेंगे संजय जी आप हमारे दर्शकों से?
बस दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि कभी आओ उत्तराखंड उड़गम घाटी में, अगर जीवन का आनंद लेना है। हाँ जीवन का आनंद तो उड़गम आओ, उड़गम। अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो एक बार उड़गम जरूर, उड़गम कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सुन लिया हमारे दर्शकों ने आपका मैसेज, पढ़ लिया। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा बद्रीनाथ और ये है मेरे पीछे पांडुकेश्वर। पहुंच गए हनुमान चट्टी, ये एक लास्ट पिलग्रिमेज स्पॉट है ठीक बद्रीनाथ से पहले। तो पुराने जमाने में लोग यहाँ पे विश्राम करते थे और अगले दिन बद्रीनाथ के लिए यात्रा करते थे। तो अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पे हैं तो हनुमान चट्टी में बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद लेना ना भूलें। लोकेशन है, छोटे छोटे देवदार के पेड़, बहुत ही सुंदर। तो ये देखो मित्रों, पहुंच गया हूं मैं बद्री धाम पे और ये हमारे पीछे अलकनंदा नदी बह रही है और इस तरफ है तप्त कुंड। और वैसे तो मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था पर बहुत भीड़ हो रही है, पर चलो फिर भी एक कोशिश करते हैं, मैं आपको मंदिर का थोड़ा सा दर्शन कराता हूँ। ये क्या चीज है? ये रुद्राक्ष का फ्रूट है भैया। अच्छा, इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलेगा? हाँ जी, भैया 100 रुपए के साथ। 100 रुपए के साथ? मुझे तो नहीं चाहिए भाई, मैं तो पूछ रहा था क्या है बस। तो ये देखिए अति निर्मल अलकनंदा, पतित पावनी अलकनंदा बहती हुई, जो आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी जी से मिलके गंगा का निर्माण करेंगी। और ये धामों में धाम अति पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम। तो अंदर के दर्शन मैं आपको फिर कभी कराऊंगा, आज थोड़ी भीड़ कम है और भीड़ कम हो तो फिर मेरा काम नहीं चलता। मंदिर से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट में ये मार्ग जाता है आगे बामणी गांव के लिए। तो इस मार्ग पे भी कई अच्छी अच्छी दुकान है, इस तरफ लोग थोड़ा कम ही आते हैं क्योंकि मंदिर उस तरफ ही है और बड़ा बाजार भी उस तरफ है। पर इस तरफ थोड़ा मिठाई की पुरानी दुकान है जहाँ खाने पीने का ज्यादा आनंद है। Yeah.
ये है कुबेर मिष्ठान भंडार और ये देखो गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। 3100 मीटर पे समोसों का स्वाद लेने तो आपको यहाँ आना पड़ेगा बद्रीनाथ कुबेर मिष्ठान भंडार। और ये हमारे कारीगर साहब बगल में यहाँ पर नेगी भोजनालय भी है, इस तरफ गली में भी आ सकते हैं आप, आनंद ले सकते हैं। ये देखिए डाडी जर्नल स्टोर और यहाँ पर कुछ आभूषणों की दुकान है। तो आगे इस गली में काफी साइबर कैफे की दुकान है क्योंकि आगे गांव है तो लोगों का काम इंटरनेट वगैरह का चलता रहता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऑथेंटिक गढ़ वाली आर्किटेक्चर की दुकानें दिखनी शुरू हो गई हैं, पुराने मकान दिखनी शुरू हो गए, टोने टाने भी लगे आगे से देखो। हेलो, और ऐसा लग रहा है कि मालाओं की और इन फोटो की थोक की दुकानें सारी यही है, यहीं से जाते हैं वो सब लोग उठा के आगे बेचने। तो अब बिल्कुल मार्केट ये खत्म सा हो रहा है और मार्केट के आगे रास्ता जाता रहेगा बामड़ी गांव के लिए। देखिए सब्जी की दुकानें भी आने लगी क्योंकि आगे गांव है। तो यहाँ पर मैस्टर्स बिहारी लाल नरेंद्र शाह नेपाल शिलाजीत फर्म बद्रीनाथ उत्तराखंड शिलाजीत का गांव। अरे वाह ये देखिए इन्होंने एक कस्तूरी मृग की खाल में भूसा भर के इसको यहाँ पे खड़ा कर रखा है, कितना सुंदर और असली लग रहा है। वाह मजा आ गया। वो देखो कहाँ गया वो, ये रहा, ये देखो ये दांत निकाल रहे हैं यहाँ पे। जी ये असली कस्तूरी मृग है, उसमें भूसा भर के खड़ा कर रखा है और जो उसके वो दांत निकल रहे हैं वो भी असली है बिल्कुल, ओरिजिनल है दांत भी। और एक जो उसके पेट में होती है वो अलग है। अच्छा वो ठीक है धन्यवाद। मैं उर्गम से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंदर अंतर्गत एक ये मैन मेड लेक तैयार की जा रही है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर ताल है, इस पे भी कार्य चल रहा है। भविष्य में आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नेचुरल लेक है लेकिन आज देख लीजिए इस पे कैसा काम चल रहा है। अच्छे से अब सुबह 4 बजे यहाँ से निकल लेना।